Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under the main headings of educational thinkers. जब हम एजुकेशनल थिंकर्स की बात करते हैं तो कुछ थिंकर्स हमको ज़रूर ज़रूर पढ़ने होते हैं, हमारे कोर्स में होते हैं. जैसे कि अगर इंडियन थिंकर्स की बात करें तो गांधी, टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद, और अगर वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें डीवी, रसेल एंड ऑल, और कुछ और खास. तो टैगोर साहब जो हैं उन्होंने शिक्षा पर क्या कहा है ये हम बात करेंगे. और लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा. एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशंस, एंड इन जनरल यू हैव टू नो अबाउट रवींद्रनाथ टैगोर्स एजुकेशनल आइडियाज. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टैगोर साहब ने एजुकेशन पे क्या कहा, जानने से पहले ये जानते हैं कि टैगोर साहब ने एजुकेशन पे एज इट इज कोई ट्रिटीज नहीं लिखी. कुछ उन्होंने ऐसा नहीं लिखा जिसपे एजुकेशन हेडिंग डाल के उन्होंने लिखा हो कि ये किताब, ये पोएम, ये पोएट्री सिर्फ एजुकेशन के लिए है. लेकिन उनकी जो हमको शिक्षाप्रद बातें मिलती हैं वो उनकी विभिन्न राइटिंग्स में मिलती हैं, उनकी पोएट्री में मिलती है. उन्होंने कहीं कुछ लिखा है, कोई लेख लिखा, उसमें उसकी झलक मिलती है. वहां से ये कॉम्बिनेशन निकाला गया है, ये संकलन निकाला गया है. अलग से उन्होंने एजुकेशन पे कोई बात नहीं की है. ओके, और इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने शिक्षा पर की हैं, और हमको ये जानना चाहिए कि ये बातें कब कर रहे हैं वो शिक्षा पे. 1940 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके पहले मतलब 1890 से लेके समझिए आप 1920 के आसपास, 30 के आसपास वो ये बातें कर रहे हैं. मतलब लगभग 150 वर्ष पूर्व की ये बातें हैं जिनको आज तक हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था में अंगीकार नहीं कर पाए. पहली बात. दूसरी बात, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, मतलब ये मैं इस बात को लेकर ऊहापोह में रहती हूँ कि जब मतलब हम लोग तो नहीं थे उस वक्त जब शिक्षा भारत आजाद हुआ और जब शिक्षा की व्यवस्था संभालने की बारी आई, तो क्यों हम लोगों ने, जब हमारे पास इतने विचारक थे, गांधी कह गए थे, अरविंदो इतनी अच्छी बातें कह गए थे, टैगोर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसको हम लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया और क्यों आज तक स्वीकार नहीं कर पाए. और वो जो बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई मतलब ये लोग अजूबे थे, ऐसे इंसान बार बार नहीं जन्म लेते हैं इस धरती पर. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, ही पुट इम्फेसिस ऑन नेचुरलिज्म. यानी कि अगर आप उनके शैक्षिक मॉडल की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृतिवाद उस पर हावी है. यानी कि वो ये कह रहे हैं नेचुरलिज्म के हिसाब से कि आप बैक टू नेचर, नेचर में जाइए, बुक सेंटर्ड बात मत कीजिए, बुकिश बात मत कीजिए, छात्र को नेचर के संपर्क में आकर पढ़ने दीजिए. तो जिसकी झलक आप शांति निकेतन में देखते हैं, विश्व भारती में देखते हैं, है ना. इन एजुकेशन फ्रीडम इज द बेसिक गाइडिंग फोर्स फॉर इनकल्केटिंग इंटरेस्ट विद इन अ स्टूडेंट. तो पहली बात नेचुरलिज्म, दूसरी बात वो खास कह रहे हैं फ्रीडम. बहुत 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 उन्होंने बात की कि बच्चे को, स्टूडेंट को, छात्र को फ्रीडम दीजिए. विद इन अ स्टूडेंट हु विल डेराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू परस्यू एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज ही लाइक्स. देखिए आज हम एनईपी 2020 में कह रहे हैं कि बच्चे को आप चॉइस दीजिए, और वो कब कह रहे हैं, एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज ही लाइक्स, जो भी उसको पसंद है. यानी कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ से किसकी हिंट मिल रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हिंट मिल रही है, यहाँ से चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की हिंट मिल रही है, नेचुरलिज्म की हिंट मिल रही है. उस वो इंस्पिरेशन डराइव करे, यानी कि मोटिवेशन की बात की जा रही है. कितनी सारी बातें इस एक लाइन में निहित है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन फुलफिल द डिजायर्ड गोल ऑफ टैगोर ऑन द एजुकेशनल फ्रंट. ठीक है, अच्छा. फिर एज वन ऑफ द अर्लीएस्ट एजुकेटर्स टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल विलेज. आप सिर्फ भारत की बात नहीं कीजिए, पूरे विश्व में ये बात करने वाले कि ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाए. आज हम लोग लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल लोकल कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ग्लोबल हो गया है विश्व. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट और बिकॉज ऑफ सो ICT एंड ऑल. उस वक्त तो नहीं था, लेकिन तब वो सोच रहे हैं कि हमको एक ग्लोबल विलेज की तरह हम विश्व को देखें. तो ऐसा सोचने वाले वो पहले शिक्षाविदों में से एक हैं थे. रवींद्रनाथ टैगोर्स एजुकेशनल मॉडल हैज अ यूनिक सेंसिटिविटी एंड एप्टनेस फॉर एजुकेशन विद इन मल्टी रेशियल, मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल सिचुएशंस. यानी कि वो सारी बातें जो आज हम लोग करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत नएपन की कुछ बात कर रहे हैं, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल की अब बातें हो रही हैं, वो 150 साल पहले कह के गए.
amidst conditions of acknowledged economic discrepancy and political imbalance. और कैथलीन एम ओ'कोनेल एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं उनके बारे में, वो कहते हैं कि रवीनाथ टैगोर के कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम कोट करना चाहे तो क्या कहेंगे, एशियाज फर्स्ट नोबेल लॉरिएट, मतलब भारतवर्ष के, अब कहां कितने नोबेल मिलते हैं हमारे देश में, बहुत कम है ना, उनको पहला नोबेल मिला और एशिया में पाने वाले वो पहले थे. वॉज बॉर्न इन टू ए प्रोमिनेंट कैलकटा फैमिली नोन फॉर इट्स सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग द 19th बंगाल रेनेसा. सॉरी हाँ, थोड़ी सी हाँसी आ रही. तो एशिया के फर्स्ट नोबेल लॉरिएट थे, एक प्रोमिनेंट कैलकटा फैमिली में इनका जन्म हुआ. सोशियो रिलीजियस और कल्चरल इनोवेशन की बात ये बंगाल के पुनर्जागरण में कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में. सोशियो रिलीजियस कल्चरल इनोवेशन सब हमको आज के हमको टर्म्स इनोवेटिव टर्म्स मिलते लगते हैं, इसलिए अब हम इस भ्रम को छोड़ देंगे कि हम कोई नई बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं. ही सॉ, उन्होंने कैसे देखा एजुकेशन को, एज ए व्हीकल फॉर एप्रिशिएटिंग द रिचेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अदर कल्चर्स व्हाइल मेंटेनिंग वन्स ओन कल्चरल स्पेसिफिसिटी. आज हम लोग इंटरनेशनल ब्रदरहुडनेस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की बात करते हैं, वो तब कह रहे थे कि हमको शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा व्हीकल हमको प्रदान करे, साधन प्रदान करे जिससे हम अदर कल्चर्स के भी richest aspect को appreciate कर सकें. सब कुछ नहीं लेना है लेकिन जो अच्छा है वो लेना है और अपनी हमको cultural specificity maintain करके चलनी है. He has laid the greatest emphasis on freedom. Freedom की बात फिर से आ गई. और freedom हमको किससे चाहिए, हमको किससे स्वतंत्रता चाहिए, ignorance, हमको अज्ञान से स्वतंत्रता चाहिए, about the laws of the universe, freedom from passion and prejudice in our communication within the human world. मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, एक एक शब्द समझने वाला है और मतलब एकदम रोमांचित करने वाला, मिसमराइज करने वाला इनका फिलॉसफी है इनकी एजुकेशन की. और क्या कहा इन्होंने एजुकेशन के बारे में, ये कह रहे हैं यूनिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट. ये इन्होंने कहा कि पश्चिम और पूरब मिलकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा. टैगोर्स एजुकेशन मार्क अ नोवेल ब्लेंडिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इंडियन फिलोसफी. ये कह रहे हैं इंडियन फिलोसफी से क्या लीजिए, आप आध्यात्म ले लीजिए जिसके पास, जो पश्चिम के पास नहीं है, एंड द प्रोग्रेसिव आउटलुक ऑफ द वेस्टर्न पीपल, और वेस्टर्न पीपल का प्रोग्रेसिव आउटलुक ले लीजिए जो हमारे पास नहीं है, और दोनों को ब्लेंड कर दीजिए, blended together to give rise to an educational philosophy that marked its distinction in comparison to other educationists of India. तो इस तरीके से वो अपने आप को अलग करते हैं और educationists जो इंडिया में हुए. Natural growth in natural circumstances, हमने पहले कहा कि naturalism पे इनका बहुत बड़ा emphasis था, तो ये कह रहे हैं कि बच्चे की, छात्र की वृद्धि होने दीजिए natural circumstances में, natural growth हो उसकी. Tagore invites that nature is the best teacher to the pupil, यानी कि जो प्रकृति है वो सबसे बढ़िया शिक्षक है किसी भी शिष्य का, किसी स्टूडेंट का. इट इज नेचर दैट देयर बी अ गाइडिंग फोर्स टू इनकल्केट द स्पिरिट ऑफ लर्निंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट टू परस्यू द एजुकेशन ही लाइक्स, ही विल शेप हिज बिहेवियर एंड कैरेक्टर. सिर्फ इतनी बातें नहीं कर रही है, बहुत कुछ था और बताने का लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाती है नहीं तो स्लाइड्स. इन्होंने कहा कि आप बच्चे को बाहर, मतलब ये तो है ही कि आप मतलब नेचुरलिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि पेड़, हम क्लास से निकल के गए और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगे, नहीं, उसका ये मतलब नहीं, उसका ये मतलब है कि अब आप बैठिए तो आप, जब आप घास पे या आपने अब बैठे हैं तो आप उसको महसूस कीजिए, वो फील कीजिए. अगर गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, पेड़ से उतर रही है तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, तितली आ रही है तो आप उसको देखिए. फिर वो कह रहे हैं कि उसका जीवन चक्र भी पढ़ लीजिए, तितली का जीवन चक्र, गिलहरी का जीवन चक्र, वो क्या खाती है, क्या है, क्या है उसका हैबिटेट है, सब कुछ आप जानिए, आप महसूस कीजिए कि गर्माहट, अब तो खैर मतलब बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गई, आप ठंडी में बाहर नहीं बैठ सकते हैं, बारिश में बाढ़ आ जाती है और बहुत गर्मी पड़ती है, उस वक्त उस दशाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जब मॉडरेट कंडीशन हो एटलीस्ट तब इसको फॉलो किया जा सकता है कुछ हद तक, कि आप महसूस कीजिए प्रकृति को, फिर आपको प्रकृति सिखाएगी. मतलब बहुत बढ़िया है इनका हिसाब किताब. फिर इन्होंने क्या कहा, गुड बाय टू बुक सेंटर्ड एजुकेशन. उस वक्त ये बात करने वाले कि आप जो है पुस्तक केंद्रित शिक्षा को बाय बाय कर दीजिए. क्यों, इन्होंने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिना ऑफ एजुकेशन टैगोर एस्टैब्लिश्ड अ न्यू माइलस्टोन. एक नया मील का पत्थर इन्होंने स्थापित किया. कैसे, विद बोल्डनेस एंड फर्मनेस. बोल्डली और फर्मली इन्होंने कहा कि रिजेक्ट कीजिए किसको, बुक सेंटर्ड एजुकेशन को. क्यों, क्या कर रही है वो, क्या दिक्कत दे रही है. इट इज नॉट जस्ट टू कन्फाइन द माइंड्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू टेक्स्ट बुक्स. उन्होंने कहा कि अगर हमको पुस्तक मिल जाती है तो हम बच्चे के मन को कन्फाइन कर देते हैं कि इतना ही पढ़ना है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है. होता क्या है कि बच्चे को ये भी पता होता है कि ये चैप्टर आना है ये नहीं आना है, तो वो उस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं, जैसे लगता है जिंदगी की किताब से वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया, एग्जाम में नहीं आना है. तो क्यों, क्योंकि सारी शिक्षा क्या है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. ओके,
और क्या करती है बुक सेंटर्ड एजुकेशन, इट विल किल हिज क्रिएटिव स्किल, उसकी क्रिएटिविटी कट कर देती है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत जाना है कि बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव होता है और पढ़ा लिखा जो वयस्क होता है वो क्रिएटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा व्यवस्था ने उसकी क्रिएटिविटी छीन ली है उससे। सो स्टूडेंट्स शुड बी फ्रीड फ्रॉम द बुक सेंटर्ड एजुकेशन एंड शुड बी गिवन अ ब्रॉडर एवेन्यू फॉर लर्निंग। ये हमको बार बार ध्यान देना होगा कि ये बातें किस युग में कही जा रही हैं, तब हम इसकी महत्ता को और समझ पाएंगे। आज तो हमें लगेगा कि हाँ इट्स नेचुरल, अब तो बहुत सारा प्रोग्रेसिव आउटलुक आ गया है शिक्षा व्यवस्था में। फिर क्या कहा इन्होंने, फ्रीडम टू लर्नर्स, बात हो ही गई कि हमको उसको स्वतंत्रता देनी है। टैगोर है चैंपियन बिकॉज ऑफ फ्रीडम, मतलब इतना बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे टैगोर, उतना कोई नहीं था। द सेम ही वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद द ऑब्जेक्ट ही हैड ओपन शांति निकेतन, श्री निकेतन एंड ब्रह्मचारी आश्रम, जितनी भी इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन चलाए उन सब में ये था कि फ्रीडम देनी है छात्र को। ही एक्सप्लेन फ्रीडम इन थ्री कैटेगराइज वे, इन्होंने कहा कि तीन तरीके हैं फ्रीडम देने के, तीन तरीके की फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ हार्ट, फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ विल, यानी बुद्धि की स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता और हृदय की स्वतंत्रता। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। टीचिंग प्रैक्टिकल एंड रियल, इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू टैगोर टीचिंग शुड बी प्रैक्टिकल एंड रियल बट नॉट आर्टिफिशियल एंड थियोरेटिकल, मतलब हमको प्राकृतिक कृत्रिम और सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा नहीं देनी है बल्कि प्रैक्टिकल हो, जिसकी उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, जो वास्तविक हो, जिसका वास्तविक जीवन से लेना देना हो। और क्या कह रहे हैं टैगोर, लेड इम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स आपको पता होगा कि विश्व भारती, शांति निकेतन, इन जगहों पे कितना संगीत की प्रधानता है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री, उन्होंने कहा कि ये तो सीखना ही सीखना चाहिए आप लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को। इसीलिए आप देखते होंगे कि बंगाल में मतलब हर घर में बच्चे को सिखाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे, आप देखिए जितने भी आपके ये टैलेंट हंट होते हैं, जितने सिंगिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें बंगाल के जरूर बच्चे होते हैं और जीतते भी हैं। टैगोर अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फाइन आर्ट्स इन हिज एजुकेशनल करिकुलम, यानी कि हमको जरूर शिक्षा के पाठ्यक्रम में, शैक्षिक पाठ्यक्रम में इसको स्थान देना चाहिए। टू हिम, उनके लिए गेम्स, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग एक्सेट्रा शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया का इसको नितांत अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए उनके हिसाब से। इन हिज वर्ड्स उन्होंने क्या कहा, स्पीकिंग इज फॉर मैनकाइंड एंड म्यूजिक फॉर नेचर, जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो हमको प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति से मिलता है। स्पीकिंग इज क्लियर एंड लिमिटेड बाई इट्स नीड्स, वेयर इज म्यूजिक इज मिस्टिक एंड एक्सप्रेसिव फॉर ए रोमांटिक ईगरनेस, दैट इज वाई स्पीकिंग क्रिएट्स नियरनेस बिटवीन मैन एंड मैन, व्हाइल द म्यूजिक हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अवर सेल्व्स विद नेचर। वो कह रहे हैं कि बोलने से तो व्यक्ति व्यक्ति के पास आता है, लेकिन जो संगीत है वो हमको प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने में हमको मदद करता है। Then, इन्होंने कहा क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो शैक्षिक संस्थाएं चल रही थी उनका इन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा ही हैज सेड दैट द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन इज डायरेक्टेड ऑन द स्कूल बिल्डिंग, द टेक्स्ट बुक्स एंड द अथॉरिटीज। इन्होंने कहा सारा इम्फेसिस तो कैसी भवन है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसमें कौन सी पुस्तकें चलनी है और कौन अथॉरिटी उसको लीड कर रहा है, इस पर होता है। व्हाइल द चाइल्ड एंड इट्स नीड्स आर निग्लेक्टेड, जबकि बच्चा और छात्र की आवश्यकताओं को पूरी तरीके से दरकिनार किया जाता है। ही ऑल्सो कॉल्स स्कूल्स रोबोट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, उस वक्त ये बात कर रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, मनुष्य नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं। दे डिस्ट्रॉय इंडिविजुअलिटी एंड ट्रू लर्निंग आर मियरली फोकसिंग ऑन एग्जाम्स एंड डू नॉट लेट देयर स्टूडेंट्स मैच्योर, यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चे की इंडिविजुअलिटी को नष्ट कर रही है और उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही है कि हम फोकस कर रही है कि एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन, कि सिर्फ वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है, उतना पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं ना चार क्वेश्चन बता दीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने कहा He was convinced that students' respect grows when they are free and treated with patience, sympathy and respect. उन्होंने कहा कि बच्चा जब आप उसको free छोड़ते हैं, आप उसको patience, धैर्य के साथ, सहानुभूति के साथ, उसको सम्मान के साथ treat करते हैं तो वो बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। टैगोर इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड वॉइस देयर ओपिनियंस। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एजुकेशन की हिंट मिल रही है। उन्होंने कहा क्रिटिकली सोचिए और अपनी आवाज उठाइए। द एबिलिटी एंड एंथुसियाज्म टू क्रिएट वंस ओन वर्ल्ड वर वन ऑफ टैगोर्स मेन एजुकेशनल गोल्स। टैगोर वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया स्वराज। मतलब एक तरीके के पहले हमको शिक्षाविद मिलते हैं जो कि स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा आइडियल टीचर्स, आइडियल टीचर्स पे क्या कहते हैं टैगोर, उन्होंने कहा कि गुरुज आर एक्टिव इन द एफर्ट्स टू अचीव द फुलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड विल गिव देयर होल सेल्व्स टू देयर स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ मियरली शेयरिंग द मटेरियल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द करिकुलम। उन्होंने कहा कि स्कूल मास्टर और गुरु में क्या अंतर है। उन्होंने कहा जो गुरु है
वो सिर्फ करिकुलम तक नहीं सीमित रहता है कि बस उसको करिकुलम में जितना लिखा है उतना ट्रांजेक्ट कर देना है, बल्कि अपना होल सेल्फ, जितना भी उसके पास ज्ञान है उसको अपने छात्रों को दे देना चाहिए। अ टीचर, ये तो बहुत इनका फेमस कोट है कि अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। वो कह रहे हैं कि जब तक शिक्षक खुद नहीं सीखता रहता है, अपने बच्चों को, अपने छात्र को नहीं सिखा सकता है। ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। यानी कि अगर जलना छोड़ देगी वो लौ तो दूसरे को कैसे जलाएगी ना। बहुत फेमस कोट है इनका। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इनको गांधी जी ने गुरुदेव की संज्ञा दी थी, मतलब इतना, बल्कि ये खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब इन्होंने स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की, स्वाध्याय से शिक्षा ली, और इतने बढ़िया ये टीचर थे कि इनको गुरुदेव की संज्ञा दी गई। तो आप समझ सकते हैं। देन बॉडी एंड मूवमेंट, यानी कि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एजुकेशन पे इन्होंने बहुत बल दिया। टैगोर डिड नॉट बिलीव दैट स्कूल्स शुड मियरली लुक आफ्टर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स माइंड्स बट ऑल्सो लुक इन टू देयर फिजिकल वेलबींग, मतलब बच्चे का हमको शारीरिक स्वास्थ्य भी देखना है। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड टू मूव अ लॉट एंड दैट मूवमेंट गिव्स देम स्ट्रेंथ टू असिमिलेट न्यू फैक्ट्स एंड टू एनकाउंटर एंड कलेक्ट नॉलेज व्हाइल स्टैटिक एजुकेशन इन द क्लासरूम सेपरेट्स बॉडी एंड माइंड। इन्होंने कहा कि स्टैटिक नॉलेज, जो हम स्थैतिक शिक्षा उसको कमरे में दे रहे हैं, कक्षा कक्ष में दे रहे हैं, उसको बाहर निकलना नहीं है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, कोई इस तरीके की चीजें अगर करिकुलम में नहीं है तो बॉडी और माइंड सेपरेट कर देता है, जबकि हमको बॉडी और माइंड दोनों को साथ में लेके चलना है। एक्टिविटीज फ्रॉम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टू सोशल एंगेजमेंट ओवर द इयर्स, टैगोर्स करिकुलम वाज मोर एंड मोर डिटरमाइंड बाय एक्टिविटीज। अब हम लोग कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना है, फिजिकल एक्सरसाइज कराना है। देन एजुकेशन ऑफ द सोल, लव एंड जॉय, उन्होंने कहा आत्मा की शिक्षा भी देनी, मतलब आत्मा को भी उन्होंने कंसिडर किया, सोल तक जानी चाहिए शिक्षा, नॉट ओनली द माइंड एंड द बॉडी बट पार्ट, मतलब पहले तो उन्होंने कहा बॉडी एंड माइंड, फिर उन्होंने कहा सोल को भी ले लीजिए, बट पार्ट ऑफ टैगोर्स कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन बट ऑल्सो द सोल। अकॉर्डिंग टू टैगोर्स फिलोसफी लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ टू रीचिंग फुल ह्यूमैनिटी बिकॉज इट कनेक्ट्स अस विद द वर्ल्ड एंड देयरफॉर एक्सपेंड्स अवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम द ईगो टू द सोल, है ना। यानी हमारी ईगो को हमारे सोल से जोड़ता है, अगर हम लव फुल होकर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं छात्रों को, प्यार से ट्रीट करते हैं, सम्मान से ट्रीट करते हैं, पेशेंस से ट्रीट करते हैं, सिंपैथी से ट्रीट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड इथिक्स, ये कह रहे हैं कि एजुकेशन फॉर सोशल एम्पैथी एंड वैल्यूज इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी द टास्क ऑफ एथिकल एजुकेशन, येट फॉर टैगोर दे आर स्पिरिचुअल एजुकेशन, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को, इथिक्स को भी इन्होंने कंसिडर किया। ही असिस्टेड दैट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स वाइडनिंग वन्स कॉन्शियसनेस, मतलब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हम दूसरे को भी की भी कॉन्शियसनेस समझ सकें, उसके दर्द को समझ सकें, वो अनुभूत कर सकें, सहानुभूति, अनुभूति, तदनुभूति, यही तो स्पिरिचुअल है। मतलब हमको अपना कॉन्शियसनेस फैलाना है, फीलिंग इट विद लव एंड ट्रूली कॉम्प्रीहेंडिंग द वर्ल्ड। सॉरी थोड़ा सा कट रहा है। देन इंटरनेशनलिज्म, कह ही दिया कि ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर चलिए। टैगोर डीपली केयर्ड अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ हिज डेज एंड स्पोक आउट फॉर द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी इन एन एज ऑफ नेशनलिज्म। यानी राष्ट्रीयता, सोचिए उस वक्त राष्ट्रीयता की अलग जगी हुई थी, लेकिन तब भी ये अंतरराष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। टू इम्प्लीमेंट ट्रू इंटरनेशनलिज्म, टैगोर बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी डीपली रूटेड इन देयर ओन कल्चर बट एट द सेम टाइम रियलाइज देयर यूनिटी विद ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि हमको पूरी मनुष्यत्व के साथ, मानवता के साथ जुड़कर चलना है, लेकिन हमको अपने कल्चर की स्पेसिफिसिटी में डीपली रूटेड होना है। फिर इकोलॉजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। टैगोर कंसिडर्ड बीइंग क्लोज टू नेचर एज क्रूशियल एज ही इज कन्विंस्ड दैट कम्युनियन विद नेचर गिव्स एनर्जी, जनरेट्स लव एंड पुट्स लाइफ इनटू पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर रहे हैं क्यों, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन हो गया है, बहुत ये सब डिग्रेडेशन हो गया, तो कहा जा रहा है कि नहीं हमको इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़नी है। तब तो नहीं पॉल्यूट था, तब तो नहीं पॉल्यूशन था इतना, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि नेचर के साथ आप सामंजस्य बिठाकर चलिए। क्यों, क्योंकि नेचर हमको बहुत कुछ देता है। He hoped to facilitate spiritual identification with nature, which in turn, according to Tagore, is the basis of environmental education and the protection of nature. And then education for rural reconstruction, मतलब इन्होंने कहा गाँव से चलिए ना, जैसे कि गांधी जी ने भी ये बात की। टैगोर वॉज अवेयर ऑफ द रूरल पॉवर्टी ऑफ अवर कंट्री, सो ही वॉन्टेड टू इरिगेट थ्रू एजुकेशन। मतलब इन्होंने जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, ये सब कहा है ना, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो वॉलंटियर बने और गाँव में जाकर इस तरीके के काम करें, और गाँव की जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, उसको शिक्षा के माध्यम से दूर करने की बात की गई है। फिर अगर इनके की आइडियाज देखें तो क्या है कि इन जनरल अगर हम कहना चाहें तो ही इन्विजेंट एन एजुकेशन दैट वाज डीपली रूटेड इन वन्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी कि बार बार ये बात निकल के आ रही है कि अपनी अपनी मतलब जो संस्कृति है उसमें हमको डीपली रूटेड होना, जड़ों तक जाना है, संभाल के रखना है, पकड़ के रखना है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बट
कनेक्टेड टू दी कल्चर ऑफ दी वाइडर वर्ल्ड, लेकिन ये नहीं कि हमारा अच्छा है आपका बुरा है, आपका भी जो अच्छा है उसको हम अपनाना चाहेंगे. प्रेडिकेटेड अपॉन प्लेजरेबल लर्निंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड टू दी पर्सनैलिटी ऑफ दी चाइल्ड. कितना मतलब सटीक है, आज के समय में भी उतना ही सटीक है. द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इन्फॉर्मेशन बट मेक्स अवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस. इन्होंने कहा कि शिक्षा वो नहीं है जो हमको सिर्फ सूचना देती है, बल्कि वो है जो हमारे अस्तित्व को सामंजस्य, जितने भी हमारे हमारे इर्द गिर्द हमारा वातावरण है उसके संग हार्मनी बना के चलती है, और वातावरण में सब कुछ आ जाएगा. बट वी फाइंड दैट दिस एजुकेशन ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड इन स्कूल्स बट इट्स सीवियरली रिप्रेस्ड. बट उन्होंने पाया कि ऐसा होता नहीं, ना सिर्फ इसको इग्नोर किया जाता है बल्कि दबाया जाता है. इन टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन द एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंसेस वाज एज इंपॉर्टेंट एज द इंटेलेक्चुअल इफ नॉट मोर सो. उन्होंने कहा कि मतलब एस्थेटिक सेंस ना, जो इन्होंने फाइन आर्ट्स और डांस ड्रामा पोएट्री पेंटिंग की बात की है, कि अगर वो इंटेलेक्चुअल जितसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उससे कम भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उन्होंने कहा कि इसको भी हमको बहुत साथ में लेके चलना है. द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट मेरली गिव सच अ, ये हो गया. अकॉर्डिंग टू टैगोर रियल एजुकेशन प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. उन्होंने कहा कि वो बच्चा शिक्षित कहलाएगा जो सिर्फ अपने लिए ना सोचे बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे, एंड हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग देमसेल्व्स टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड वेज ऑफ लाइफ. और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि हमको हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना है, कि हमको सीखते रहना है, बदलते रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, ताकि हम दूसरों से भी अच्छाइयां ग्रहण कर सकें. टैगोर बिलीव दैट द कल्टीवेशन ऑफ फीलिंग व्हिच इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंशन ऑफ एम्पैथी फॉर अदर बीइंग्स इज एट द हार्ट ऑफ रियल एजुकेशन. टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन वर इमेंसिपेटरी, मुक्तात्मक शिक्षा की बात थी जो उसका जिस्ट था, वो उनकी शिक्षा व्यवस्था में यही था. और अगर हम कंक्लूड करना चाहें, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ, लेकिन तब भी आप उनका फील समझ गए होंगे कि इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं. ये सारा इनका मूल है, तत्व है, इसी के इर्द गिर्द इनकी एजुकेशनल फिलोसफी घूम रही है. एजुकेशन इज इन अ रियल सेंस द ब्रेकिंग ऑफ द शेकल्स ऑफ इंडिविजुअल नैरोनेस. मतलब हमको संकीर्ण नहीं बनना है, यानी कि शिक्षा वो ना हो जो हमको संकीर्ण बनाए. But the highest aim of education should be to help the realization of the unity, but not of uniformity. देखिए, हमको एकता, एक होके चलना है, पर एक सा नहीं होना है, यानी कि वेरिएशन होना है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी इंडिविजुअलिटी आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, अलग अलग है. तो एजुकेशन सबको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाए, यूनिफॉर्म ना बना दे कि एकदम एक जैसा सोच रहे हैं. और a sound educational system should provide for the development of variety, variety, but without losing the hold on the basic or spiritual unity. पर हम भावात आध्यात्मिक रूप से जुड़े हों, लेकिन variety भी होनी चाहिए. तो मतलब मुझे तो बहुत मजा आया जब मैंने educational philosophy टैगोर साहब की पढ़ी, क्योंकि इतना डिटेल में कभी पढ़ा नहीं था, टैगोर साहब को कभी पढ़ाया नहीं था, और पढ़ते समय तो आदमी ऐसे ही पढ़ लेता है सर्विस लेवल पे, ठीक है. तो आई होप कि आपको भी मजा आया होगा, आप भी आनंदित हुए होंगे. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. एंजॉय माय टेलीग्राम ग्रुप 2, और जानिए कि लोग क्या क्या कह गए हैं, कब कह गए हैं वो सब बातें जो आज तक हम नहीं समझ सकते. मुझे बार बार लगता है कि चलो, हमको भगवान ने इतना अद्वितीय नहीं बनाया है कि हम इतना कुछ सोच सके, लेकिन जो हमारे लिए सोच के गया है उसको जान तो सकते हैं, जान के तो ज्ञानवान बन सकते हैं. ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड.